हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। जब से ट्रेलर रिलीज हुआ तो भाई काफी लोग कमेंट सेक्शन में और डीएम में पूछ रहे हैं कि न्यू ब्लैक पैंथर कौन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपकमिंग ब्लैक पैंथर मूवी में कौन एक्चुअल में ब्लैक पैंथर कैरेक्टर प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ रूमर्स हैं, प्लॉट्स हैं, उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा और थोड़ा मैंने ट्रेलर को भी एनालिसिस करा है तो उसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक पैंथर एक्चुअल में कौन प्ले करने वाला है। तो थोड़ा ट्रेलर देखने के बाद यही पता चलता है कि भाई एंडिंग में जो हमें दिखाया गया कि ब्लैक पैंथर ने अपने पंजे खोला, तो भाई उस सूट के आउटफिट से देख के लगता है कि ये एक फीमेल बंदी तो है कोई ना कोई। अब तीन फीमेल बंदी का नाम अगर सामने आया है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई ओको ही प्ले कर सकती है, नाकिया प्ले कर सकती है, शुरी प्ले कर सकती है, तो इन तीनों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। बात करें सबसे पहले नाकिया जो कि टिचाला की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, इनका एक बेबी भी होने वाला है इस मूवी में। किंग परिवार की नहीं है, यानी कि टिचाला के परिवार की नहीं है, तो उसको ब्लैक पैंथर बनने का मौका नहीं मिलेगा। बात करी जाए ओकोई की, तो वो एक्चुअली में डोरा मिलाजी की मेन मेंबर है, लीडर भी है, और ये लोग जब डोरा मिलाजी की ट्रेनिंग लेते हैं, बनते हैं, तो ये कसम खाते हैं अपने किंग की लाइफ टाइम तक और कह सकते हो पूर्वजों के माध्यम से भी सेवा करने की, तो वो भी ब्लैक पैंथर नहीं बन सकती है। बट हाँ, ओकोई के अगर आने वाले टाइम में बच्चे हुए तो वो डोरा मिलाजी का पार्ट जरूर बनेंगे, पर वो ब्लैक पैंथर कभी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर बसती है शुरी। अब यहाँ पे कुछ प्लॉट्स लीक हुए थे कि शुरी ब्लैक पैंथर बनेगी, थोड़ा यहाँ पे नहीं है, ये चीज 100% क्लियर हो जाती है कि शुरी एक्चुअली में वकांडा फैमिली से भी है, किंग हो सकता है तो क्वीन क्यों नहीं हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि शुरी के अलावा और कोई मूवी में बसता भी नहीं है, तो मुझे यहाँ लगता है कि शुरी न्यू ब्लैक पैंथर हो सकती है। और काफी टाइम से रूमर भी चल रहा था कि एक फीमेल ब्लैक पैंथर से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, तो फाइनली वो मौका आ चुका है और मुझे लगता है कि शुरी ब्लैक पैंथर होगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।